स्टूडेंट्स एक नया रिजल्ट फिर से क्या है, पीएथ साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल। मतलब ये क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एफ एक्स है, एफ पी एक्स है, वो क्या है, एक्स है एक्स पी का माइनस वन इन प्लस एक्स पी माइनस टू प्लस प्लस एक्स प्लस वन बिलोंग्स टू जेड एक्स। यहाँ पे पी क्या है आपका एक्स पी माइनस वन प्लस एक्स पी माइनस टू डॉट चलते जाएगा आपका अप टू सॉन वन। यहाँ पे पी क्या है, प्राइम है। मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर बनाना है आपको एफ टू एक्स, ठीक है, तो कैसे बनेगा, एक्स प्लस वन। एफ थ्री एक्स कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एक्स फोर एक्स कैसे बनेगा, बनेगा ही नहीं, बनेगा मतलब इस मेथड से नहीं बनेगा, ये भी बनेगा आगे अगर आप, ये भी बनेगा, ये आपको बताया जाएगा बाद में, ये इस टॉपिक का नहीं है, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। अगर आप प्रिमिटिव टू ऑफ यूनिट पढ़ोगे उसमें मैं इसको बनाऊंगी, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ इस मेथड से नहीं बनेगा, यहाँ पे उसी के लिए काम चल रहा है जो कि प्राइम है, ठीक है। तो एफ फाइव एक्स कैसे बनेगा, एक्स का पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे इसी टाइप की पॉलिनोमियल की बात हो रही है, मतलब इस टाइप अगर पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है तो आप कैसे बताओगे कि ये इररिड्यूसिबल है कि नहीं। तो सिंपल स्टूडेंट्स, ये जो पॉलिनोमियल जो होगा, इस टाइप का पॉलिनोमियल आप कहीं भी देखोगे, इसको हम लोग बोलते हैं पीएथ साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे, फिफ्थ साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल होता है वो ऑलवेज इररिड्यूसिबल ओवर क्यू, क्यू हुआ तो जेड भी हुआ, सिंपल सी बात है। तो ये रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आप कहीं भी साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल देख रहे हो, ठीक है, तो वो ऑलवेज इररिड्यूसिबल होता है जेड क्यू पे। तो ये हमारा रिजल्ट हुआ। आप इस, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि जो प्री होगा यहाँ पे क्या होगा, वो प्राइम होगा, वो हर इंटीजर के लिए वैलिड नहीं है। आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, मतलब अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है उसका डिग्री जो है वो थ्री और थ्री से बड़ा है, तो ये जो पॉलिनोमियल जो ना वो ऑलवेज आपका रिड्यूसिबल ओवर आर, आर पे हमेशा इरिड्यूसिबल होगा। बट इसका मतलब ये नहीं होगा, बट इट मे और मे नॉट हैव रूट, ठीक है। इस रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया है उसका डिग्री थ्री और थ्री से ज्यादा है, ठीक है, तो अगर आप आर से पूछा गया आपको फील्ड आपका आर है तो वो रिड्यूसिबल होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसमें रूट मिले। जैसे क्या है, आप देख रहे हो जैसे कि आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो प्लीज़ आप इसको सॉल्व करो, उससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा और कितना जाना है समझा है क्वेश्चन कितने रिजल्ट्स को। तो ये तीनों जो है आपका पॉलिनोमियल जो है वो आर पे पूछ रहा है कि आर पे कैसा नेचर है, रिड्यूसिबल या इररिड्यूसिबल, आप प्लीज़ बताओ मुझे। और ये तीनों जो आप जो देख रहे हो, ये तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जितने पॉलिनोमियल है ना, ये सब जो ना ये नेट के लिए बहुत फेवरेट पॉलिनोमियल माने जाते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है फेवरेट पॉलिनोमियल फॉर नेट, मतलब नेट में ऐसे ही रहेगा और इसमें कुछ नहीं है, इसमें से कुछ टूल वूल नहीं लग रहा है, ये सिंपल बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी हम लोग इतने सारे रिजल्ट्स टूल्स पढ़ लेते हैं, तब इससे क्या होता है ना, हमारा जो बेसिक सेंस जो बेसिक ये होता है वही अप्लाई नहीं होता। जैसे कि आप देख लो, इसी पे देखो, ये इसमें क्या है, इसमें कुछ, इसमें आप कितना करो कोई टूल वूल नहीं लगेगा, इसमें कुछ नहीं लगा, इसमें हिट एंड ट्रैक का काम कर रहा है। आप सिंपल इसमें से एक्स कॉमन देखो, ये सिंपल फैक्टराइज हो जाता है। तो ये सब चेक करके बताना कि ये प्लीज़ बताना कि ये रिड्यूसिबल या इररिड्यूसिबल है, ये रिड्यूसिबल है या फिर इररिड्यूसिबल है। आई थिंक यही सब क्वेश्चन जो होता है नेट में आते हैं, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, बच्चे बहुत लोग इसमें आशीष कर लगा रहे हैं, मॉड टेस्ट लगा रहे हैं, शिफ्टिंग लगा रहे हैं, बट कुछ काम नहीं करता है। तो प्लीज़ आप ये मत बोलना, अब इसको आप ये अच्छा एक मिस्टेक ये भी होता है कि बहुत इसको बोल देते हैं एक्स फोर, मतलब सॉरी इसको बोल देते हैं फोर्थ साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल। तो प्लीज़ ऐसा मत बोलना, क्योंकि ये यहाँ पे तो फोर्थ तो प्राइम तो है ही नहीं, तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं, तो आप इसको प्लीज़ बनाओ। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग क्या किए, अभी तक हम लोग पूरा आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि इररिड्यूसिबल और रिड्यूसिबल टॉपिक से। अगर आपके पास स्टार्टिंग से एक बार एनालाइज कर लेते हैं हम लोग, अगर आपके पास वन डिग्री का पॉलिनोमियल है तो वो ऑलवेज क्या होता है, वो इररिड्यूसिबल होता है। अगर आपके पास टू और थ्री डिग्री का पॉलिनोमियल है, फील्ड मेरा फाइनाइट है, तो क्या करेंगे, हम देखेंगे फैक्टर हो रहा है तो रिड्यूसिबल है, फैक्टर नहीं हो रहा तो रिड्यूसिबल नहीं है, सिंपल क्लियर है। और अगर थ्री डिग्री से ज़्यादा का पॉलिनोमियल है, मतलब फोर फाइव सिक्स का दिया हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये फैक्टर अगर हो रहा है, फैक्टर अगर हो रहा है तो रिड्यूसिबल है, बट अगर फैक्टर नहीं हो रहा है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो रिड्यूसिबल है कि नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, हम कुछ आपको बताए थे उसको हम फिर, अगर जेड टू पे काम चल रहा है
जेड टू पे काम चल रहा है तो हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से डिवाइड करके देखते थे, क्योंकि क्या मान लीजिए आपके पास 4D का पॉलीनोमियल है, तो अगर वन क्रॉस थ्री में नहीं टूट रहा है तो जाहिर सी बात है 2 क्रॉस 2 में टूटेगा। अगर 2 क्रॉस 2 में टूटेगा और जेड टू पे काम चल रहा है तो इस पॉलीनोमियल से डिवाइड करके देखेंगे, डिवाइड अगर पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेबल, अदरवाइज नहीं होगा। सेम अगर जेड थ्री पे काम कर रहा है तो आपको बताया गया था कि 3 पॉलीनोमियल जो है उससे डिवाइड करके आप देखो, अगर उससे काम कर गया तो फैक्टराइजेबल, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, उसका क्या करेंगे हम, अब हम ये सब फाइनाइट फील्ड पे काम था, फिर अब आएंगे इनफाइनाइट फील्ड पे, मतलब ऐसे पॉलीनोमियल जो कि इनफाइनाइट फील्ड पे मुझे चेक करना है कि वो रिड्यूसिबल है कि इरेड्यूसिबल। उसके लिए क्या करते थे हम, अगर हम इनफाइनाइट फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, मॉड पी टेस्ट लगाएंगे, मॉड पी टेस्ट से हम इनफाइनाइट फील्ड को फाइनाइट फील्ड में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद मतलब एक पैसा प्राइम ढूंढ के लाएंगे जो हमारे रिजल्ट को सेटिस्फाई करे, उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि जो गिवन पॉलीनोमियल मेरा है वो है इरेड्यूसिबल है। बट अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो हम ये नहीं बताएंगे कि वो रिड्यूसिबल है कि नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, नो कंक्लूजन। फिर हम आगे काम पे काम करेंगे तो बोलेंगे फिर क्या करेंगे, फिर हम नया रिजल्ट लगाएंगे, अब उसमें भी काम नहीं किया तो नहीं किया तो नहीं किया, कोई प्रॉब्लम तो इस तो आप बोलोगे कैसा कोई कैसे ये कोई थोड़ी बात हुई, ये कोई आंसर तो नहीं हुआ मैम, तो क्या है ये क्या लिखा हुआ है, देखिए इट इज़ वेरी हार्ड टू डिसाइड द गिवन पॉलीनोमियल इज इरेड्यूसिबल और नॉट, मतलब ये बहुत मुश्किल है चेक करना, मतलब अभी तक ऐसा कोई टूल हमारे पास है ही नहीं जिसके थ्रू हम बता सकें कि मेरा जो पॉलीनोमियल है वो रिड्यूसिबल है कि नहीं। ये रिसर्च का टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी तक नेट पे ऐसा नहीं है। थोड़ा नेट में क्या होगा, नेट में तो वैसे ही क्वेश्चन आएगा जो आपको सॉल्व होगा, जैसे क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे दिया मैंने, जैसे मान लीजिए देखिए हमें क्या लिख रहा है, 5x5 -3x4 +12x³ -6x² +3x +3, इसे मैंने क्वेश्चन आपको लिख दिया है। ठीक है, आप बोलेंगे इसको बताओ, इसी को बताओ ये 5D का पॉलीनोमियल है, ये रिड्यूसिबल है, तो आप चेक करो इसमें आप लगाओ कोई प्रॉब्लम, अब इसमें तो लग जा रहा है, अब मेरा माइंड में तो ये चल रहा है ना कि इसमें 3 लग के दे रहा है, मतलब एस्टेस्टेंस क्राइटेरिया से इसमें 3 लगा पुट करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये सब जो ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम बन ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में बनाया जाता है वहाँ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जो कि सॉल्वेबल हो, जो कि रिड्यूसिबल उधर चेक किया जा सके, क्योंकि हमारा जो नेट का सिलेबस है ना उतना ही तक लिमिटेड है। तो प्लीज़ आप इसमें आप इस कंसेप्ट से ये मत समझ लेना कि हमें सारे पॉलीनोमियल को हमने चेक कर ले सीख लिया है, ऐसा नहीं है। हमारा अभी जो नेट का जो सिलेबस है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटा चैप्टर है, ये बहुत छोटा पॉइंट है, ये रिसर्च लेवल का टॉपिक है। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करो, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ आप मुझे ये क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ किसका क्या आंसर आता है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर पे हम इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में रिड्यूसिबल और इरेड्यूसिबल पॉलीनोमियल से, उस पर डिस्कशन करेंगे, उसका प्रॉब्लम बनाकर देखेंगे कितने कितने से। यही क्वेश्चन आप इससे मैंने लास्ट में क्वेश्चन लिखा था वो नेट का क्वेश्चन है, ये सब जो क्वेश्चन है ये सब नेट क्वेश्चन नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में आप नेट से रिलेटेड जितने नेट गेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से उसका सॉल्यूशन देखा जाएगा।